अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हाजी सेहत में वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मर्दाना मसले पर बात करूंगा वो है बांझपन। बांझपन की एक किस्म नेक्रोस्पर्मिया कहलाती है। नेक्रोस्पर्मिया आजकल के मर्दों का एक अहम मसला है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नेक्रोस्पर्मिया क्या है, इसकी अलामत, वजूहात और तिब में इसका इलाज। नाज़रीन, बांझपन एक ऐसा मर्ज है जिससे मियाँ बीवी की अज़्वाजी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मर्दाना बांझपन जिंसी कुव्वत की खराबी का नाम है और जिंसी कुव्वत तीन कुव्वतों का मजमू है। इन तीनों कुव्वतों में से जब किसी एक कुव्वत में खराबी हो तो उसे बांझपन कहते हैं। बांझपन की एक अहम किस्म नेक्रोस्पर्मिया है। मनी में स्पर्म का मुर्दा होना नेक्रोस्पर्मिया कहलाता है। यह बांझपन की एक किस्म है जिसमें मादा मनुविया में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा हालत में नहीं होते और स्पर्म मुर्दा होने के बायस इस काबिल नहीं होते कि अमल ठहर सके। अगर मनी में 40% स्पर्म्स मुर्दा हालत में हो तो यह बीमारी नेक्रोस्पर्मिया कहलाती है। नेक्रोस्पर्मिया पैदा होने की बहुत सी वजूहत है। एंटीबॉडीज और एंटी स्पर्म के मौजूद होने की वजह से स्पर्म जिंदा नहीं रहते हैं। ये एंटीबॉडीज और एंटी स्पर्म्स स्पर्म को हला करके बांझपन का सबब बनते हैं। ज़हनी और जिस्मानी बेचैनी, ज़्यादा ड्राइविंग करना, गर्म पानी के टब में ज़्यादा देर बैठना, तंग लिबास का इस्तेमाल, कसरत मुबाशर, तेज़ मसाला जात वाली गज़ा का इस्तेमाल और ज़्यादा देर तक लैपटॉप इस्तेमाल करना, टेस्टिकल्स में नक्स होना, टेस्टिकल्स में सोजिश का होना, तम्बाकू नोशी, शराब नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल भी बांझपन का सबब बनता है। मिसाल के तौर पर एंटी स्टीरॉयड्स जो कि पट्ठों को हरारत देकर इनकी अफजाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं, खुशियों के सुकड़ने और स्पर्म में कमी का बाइस बनते हैं। अदर मेडिकल कंडीशंस, चोट और सर्जरी भी मर्दाना बांझपन का सबब बनते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां बांझपन का सबब बनती हैं जैसे पुरानी जिगर की बीमारियां, हेपेटाइटिस, गुर्दे का फेल हो जाना, शुगर, हार्ट अटैक, कनपेड़े, वजन का बहुत ज़्यादा होना, मुसलसल बुखार की वजह से जिसम ज़्यादा गर्म रहने से स्पर्म की कारकर्दगी मुतासर होती है। 35 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों में बांझपन ज़्यादा पाया जाता है। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करना, आलूदगी और केमिकल का काम करना वगैरह स्पर्म की पैदावार कम करते हैं, खुशियों की कारकर्दगी पर बरास असर डालते हैं। मर्दों में मनी में गर्मी और तेज़ी के नतीजे में मनी की रंगत जर्द और मनी की मिदार कम हो जाती है। मरीज की बदन की रंगत सफ़ेदी माल जर्द हो जाती है। ये तमाम अलामत नेक्रोस्पर्मिया के मरीज में पाई जाती हैं। नेक्रोस्पर्मिया के मरीजों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्रोस्पर्मिया एक काबिल इलाज मर्ज है। हनीदू हाने का नेचुरल नेक्रोस्पर्मिया ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें और नेक्रोस्पर्मिया की बीमारी से हमेशा के लिए निजात हासिल करें। नेक्रोस्पर्मिया के लिए तिबी इलाज यानी हर्बल तिबी इलाज बहुत पुर असर है जो कि नेक्रोस्पर्मिया का 100% इलाज करके बेऔलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से हमकिनार करता है। हनीदू हाने ने तिब की दुनिया में तेजी से मकबूल होता हुआ नेक्रोस्पर्मिया का आसान और मुअस्सर इलाज हादी नेचुरल नेक्रोस्पर्मिया ट्रीटमेंट निकाला है जिसके इस्तेमाल से हमेशा के लिए मर्दाना बांझपन का खात्मा हो जाएगा। हाथी नेचुरल नेक्रोस्पर्मिया ट्रीटमेंट के इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और मनी में जरासीम पैदा होने लगते हैं। हाथी नेचुरल नेक्रोस्पर्मिया ट्रीटमेंट से मर्दों के जस्म हयात में होने वाली तब्दीलियों की अफजाइशी हारमोन HGH स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म्स कम हो तो उनके मादा तौलीद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में ले आता है, मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म्स को औलाद पैदा करने के काबिल बना देता है। हादी दुआने पर मर्दाना बांझपन का इलाज मुकम्मल जिम्मेदारी और राजदारी से करते हैं। हादी उहाने में ऐसी मजर अक्सर अद्वियात तैयार की जाती हैं जो न सिर्फ मादा तौलीद को पैदा करने और गाया करने में मुसर है बल्कि इसमें मौजूद स्पर्म की कमी को भी दूर करते हैं। यह ट्रीटमेंट मनी और स्पर्म समेत तमाम मर्दाना अमराज जो बांझपन का सबब बनते हैं जैसे मनी में जरासीम यानी स्पर्म्स का ना होना, खुशियों का नाकारा होना, खुशियों और उस तरह से नालियों का बंद होना, खुशियों में इन्फेक्शन होना वगैरह को ना सिर्फ ख़त्म करता है बल्कि इनको दोबारा भी पैदा नहीं होने देता। नेक्रोस्पर्मिया की बीमारी से निजात हासिल करने के लिए आज ही अपनी रिपोर्ट्स के हमरा हादी उहाना पर तशरीफ लाएँ और नेक्रोस्पर्मिया की बीमारी से मुकम्मल निजात हासिल करें वो भी बगैर किसी साइड इफेक्ट के। हादी उहाना से इलाज के बाद मर्दाना बांझपन में मुबतला बेशुमार अफराद शफा याब हो चुके हैं। हादी नेचुरल नेक्रोस्पर्मिया ट्रीटमेंट को अभी मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।